अच्छा, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.4। तो फेडरल बोर्ड में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में? टू, वन, टू, थ्री। चलें ठीक है। तो पहले मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर टू। कहते इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, जबकि आपको एक लीनियर फैक्टर दिया गया है, लेकिन लीनियर के साथ कोई ना कोई क्वाड्रेटिक जो होगा वो रिपीट होगा। इसकी पावर टू है, क्वाड्रेटिक की पावर टू है। इसमें देखिए, क्वाड्रेटिक की पावर टू है, क्वाड्रेटिक की पावर टू है, क्वाड्रेटिक की पावर टू है, लाजमी क्वाड्रेटिक की पावर टू होगी। तो हमें ये भी पता है कि अगर कहीं पे क्वाड्रेटिक फैक्टर हम लिखें तो उसके हम दो नाम रखते हैं, और फर्स्ट के साथ क्या लिखते हैं, वेरिएबल एक्स लेते हैं। ठीक है, जैसे अब ये लीनियर फैक्टर है, लीनियर का तो मुझे पता है, सिंपल हमने ए नाम रख देना है, इसके नीचे ए लिख के एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। लेकिन अगर कहीं पर लीनियर फैक्टर आए, अब ये देखें, मैं मुझे पता है लीनियर फैक्टर हमने लिखना है, इसकी पावर टू है, वन पहले आएगी, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक यहाँ पे आ गई। लेकिन मुझे पता है कहीं भी लीनियर, कहीं भी क्वाड्रेटिक आए तो उसके दो नाम रखेंगे। ए हमने यूज़ कर लिया है, इसका मतलब आगे आएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी। कहीं भी क्वाड्रेटिक आप लिखें फैक्टर तो उसके दो नाम रखेंगे। एक हमने नाम रख लिया ए, तो अगले हम दो नाम रखेंगे बी प्लस सी, लेकिन फर्स्ट वाले के साथ क्या लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं एक्स। ये तो आ गई क्वाड्रेटिक जो है वो उसकी पावर एक, पावर टू तक जाना है क्योंकि इसकी पावर टू है। तो आगे फिर लिखेंगे हम, आगे वाले जो फैक्टर है लिखा जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन की पावर टू। वन यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, वन यहाँ पे आ चुकी है, तो ये अगली यहाँ पे चली गई है। लेकिन है तो क्वाड्रेटिक ना, है तो क्वाड्रेटिक। मुझे पता है कहीं भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा उसके हम दो नाम ही रखेंगे। तो कौन से दो नाम रखेंगे, ए बी सी तो यूज़ हमने कर लिया है, तो फिर क्या करेंगे, डी और डी और ई हम नाम रखेंगे। तो ठीक लिखा मैंने, एक्स लगेगा डी हाँ, फर्स्ट वाले के साथ वेरिएबल लिखा जाएगा एक्स। तो इस तरह आपने नाम देने हैं। लीनियर फैक्टर हो तो सिंपल नाम दे देना है, लेकिन कहीं पे क्वाड्रेटिक हो तो उसके दो नाम रखेंगे, बी सी आ गया। अब ये पावर एक आ चुकी है, दूसरी पावर के लिए आगे फैक्टर लिखा जाएगा, है तो क्वाड्रेटिक, नाम तो फिर दो रखे जाएंगे, लिखे जाएंगे, ए बी सी हो चुका है, डी ई लिखा जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने ए का आंसर फाइंड करना है, बी सी डी ई। तो मुझे पता है कि इसके लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं, इसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, जो एलसीएम होता है उसे हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम क्या है, आपकी जो लेफ्ट साइड होगी उसका जो डिनोमिनेटर होगा वही आपका एलसीएम बनेगा, ये आपका एलसीएम होगा। जब यही एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले नंबर आएंगे, यानी एक्स की फोर, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसे ही है ना, ये ऊपर वाली वैल्यूज़ आएंगी, नीचे वाली क्योंकि यही एलसीएम है इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया। अब ए वाले के साथ कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि ये एलसीएम है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर। अब बी वाली वैल्यूज़ के साथ कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, अब ये देखें, यही एलसीएम जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक पावर से कैंसिल, एक पावर के साथ कैंसिल, तो एक बच गया एक्स प्लस वन, और साथ क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन और साथ एक्स प्लस वन, ऐसे ही है ना। जी बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा, जब इसके साथ ये एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वन एक पावर के साथ कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन की एक वैल्यू आएगी और साथ एक्स प्लस वन आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन, एक्स स्क्वेयर प्लस वन। अब जो लास्ट वैल्यू है उसके साथ हम देखते हैं कि
डी एक्स प्लस ई, डी एक्स प्लस ई के साथ कौन सी वैल्यूज आएंगी बताएं, इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी एलसीएम x लेते प्लस हैं। वन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कंप्लीट कैंसिल, तो एक्स प्लस वन बिल्कुल ऐसे ही है, इसके साथ आएगा एक्स प्लस वन। ये हमने एक इक्वेशन बना ली है, इस इक्वेशन में हम ज़ीरो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरो मेथड किस वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन के लिए। कोई भी अगर आपको लीनियर फैक्टर दिया गया हो तो उसे आप ज़ीरो के इक्वल रख के तो एक्स फाइंड कर सकते हैं, यानी पुट करेंगी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है, माइनस वन। अब ये माइनस वन यहाँ पर पुट किया जाएगा, जहाँ पे एक्स वहाँ पे माइनस वन, इसकी जगह रखेंगे माइनस वन की पावर फोर, ठीक है, थ्री, एक्स की जगह आ गया माइनस वन, उसकी ऊपर पावर कितनी है, टू है, आगे एक्स की जगह क्या आ गया माइनस वन, आगे क्या आ गया प्लस वन इज़ इक्वल टू, वहाँ पे माइनस वन नहीं पुट कर सकता जहाँ पे प्लस वन भी हो। अब ये देखें, अब यहाँ पे तो मैं पुट कर सकता हूँ क्योंकि जहाँ पे जब वैल्यू पुट करनी है माइनस वन का स्क्वेयर प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन और प्लस वन टू हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट की जा सकती है क्योंकि एक्स की जगह आ गया माइनस वन, ऊपर क्या है उसकी पावर टू, आगे क्या है प्लस वन, तो इसका होल स्क्वेयर है। लेकिन ये माइनस वन जब यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन और प्लस वन ज़ीरो, तो ज़ीरो इन तीन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को क्या कर देगा, ज़ीरो, इन दोनों को क्या कर देगा, ज़ीरो। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ भी नहीं पुट कर सकता, माइनस वन जब पुट करूँगा, माइनस वन और प्लस वन ज़ीरो, जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा डी एक्स प्लस ई के साथ, इन्हें भी क्या कर देगा, ज़ीरो। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने नाम रखे कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो तो कैसे नाम देते हैं, लीनियर को तो सिंपल एक का नाम, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक हो, पावर टू है, एक पावर यहाँ पे, अगली पावर आगे चली गई, लेकिन मुझे पता है कहीं भी क्वाड्रेटिक होगी तो उसके दो नाम रखेंगे, ए हमने नाम दे दिया, बी सी रखेंगे फर्स्ट वाले के साथ वेरिएबल, फिर ये लीनियर ही रिपीट, क्वाड्रेटिक ही रिपीट हुई है, लेकिन इसका मतलब इसके भी फिर दो नाम रखेंगे, सी तक लिख चुके हैं डी और ई फर्स्ट वाले के साथ वेरिएबल, फिर एलसीएम के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यूज आ गई, इसे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आ गए, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं वो वैल्यू ज़ीरो के इक्वल रख सकता हूँ जो लीनियर फैक्टर होगा, सिर्फ इसे रख सकता हूँ, इसे नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक रिपीट हो रही है, तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करूँगा, और जहाँ पे एक्स है इक्वेशन में वहाँ पे माइनस वन पुट किया, माइनस वन ये, लेकिन जहाँ पे ये माइनस वन और प्लस वन ज़ीरो, ये ज़ीरो, आगे वाला ज़ीरो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, तो बताएं क्या आएगा, माइनस वन की पावर फोर क्या होती है, वन होगी ना, माइनस की पावर फोर जो है इसे प्लस कर देगी, वन की पावर फोर वन ही होगी, माइनस का स्केयर क्या होगा, माइनस वन का स्केयर प्लस वन, और प्लस वन थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस थ्री आएगा, ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल, माइनस वन का स्केयर क्या होगा, माइनस वन का स्केयर प्लस वन, प्लस वन और प्लस वन टू का स्केयर, वन प्लस थ्री क्या हो गया फोर, टू का स्केयर क्या हो गया फोर, ठीक है, फोर जब ए से मल्टीप्लाई होगा फोर ए आएगा, तो फोर फोर से कैंसिल, तो क्या आ गया वन आ गया, ए का आंसर क्या आ गया वन, ए का क्या आंसर आ गया वन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ए का आंसर आ गया वन, तो क्या मैं सेकंड फैक्टर को भी जीरो के इक्वल पुट कर सकता हूँ, जैसे फर्स्ट को जीरो के... नहीं सर, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सही कहा है, तो इसका मतलब कोई भी आंसर हमने यहाँ से फाइंड करना है, फिर इसी इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, ऐसे ही है ना, इसी इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसे नीचे ले जाता हूँ कि कोई भी आंसर है हमने यहाँ से ही फाइंड करना है, कोई भी आंसर हमने यहाँ से ही फाइंड करना है, तो
अब हम करते हैं यहाँ पे पेस्ट, हमें पता है कोई भी आंसर है वो यहाँ से फाइंड करेंगे, इसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो अब हम सिर्फ ये कर सकते हैं फिर कि यहाँ से कोफिशंस को कंपेयर करने के लिए ना मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स की 4 है उसी तरह आएगी, 3x² है, एक्स है +1 है, ठीक है। अब ये फार्मूला ओपन करें, जैसे ए प्लस बी का फार्मूला आप ओपन करती हैं उसी तरह फार्मूला ओपन करें। फर्स्ट नंबर का स्क्वेयर, x4 सेकंड नंबर का स्क्वेयर, 1 का 1 ही होगा, 2 फार्मूले का, और ये आपस में x मल्टीप्लाई, square x ये फार्मूला ओपन हो गया, ठीक है। यानी पहले नंबर का स्क्वेयर, इसका जब स्केलेंगे ये एक्स की 4, सेकंड 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, 2 फार्मूले का, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा। अब आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हें मल्टीप्लाई, पहले इनको करते हैं फिर हम बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बी एक्स प्लस सी को इसी तरह हम रहने देते हैं, ठीक है। आगे वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन्हें करें मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, पहले एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। x³ प्लस x² अब 1 मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वेयर, +1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, ठीक है। पहले एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया ये आ गया। सर 1 नहीं आएगा। वन वन बिल्कुल ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस डी एक्स के इन दोनों के साथ, डी एक्स dx² डी एक्स स्क्वेयर dx डी एक्स, ठीक है, ex ई एक्स और ई plus e ई एक्स प्लस ई। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स की 4 के साथ, ए एक्स की 4, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा ए, तो 2ax² 2ax² उसके बाद हम बी एक्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, bx4 बी एक्स 4 बी प्लस एक्स, bx² प्लस bx³ प्लस बी एक्स प्लस बी। अब सी को मल्टीप्लाई करें, बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स, अच्छा अब सी को प्लस मल्टीप्लाई करें, cx³ cx³ प्लस cx सी एक्स प्लस cx² प्लस c cx² प्लस सी, सी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सी, यानी बी एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा बी एक्स की 4, बी एक्स से मल्टीप्लाई बी एक्स का स्क्वेयर, बी एक्स स्क्वेयर से तो बी एक्स क्यूब, बी एक्स 1 से तो बी एक्स, सी सी एक्स क्यूब सी एक्स सी स्क्वेयर और सी। आगे हम लिखते हैं, ये आ गया डी एक्स स्क्वेयर डी एक्स ई एक्स और ई। अब दूसरी साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको उसी तरह आप लिखें, लेफ्ट साइड पे क्या है, एक्स की 4 है, 3x² है, एक्स है और +1 है, इन्हें फिर लिखता हूँ नीचे, एक्स की 4, 3x² +1 प्लस एक्स +1। अब हमने कोफिशंट्स को कंपेयर करना है, कोफिशंट्स को कंपेयर करने के लिए सेम जो वेरिएबल्स हैं वो आप चेक करें। अब एक्स की जो 4 है चेक करें, और भी कहीं पे है एक्स की 4, ये जी सर बी के साथ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक्स की 4 दो वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं एक्स की 4 कॉमन लेता हूँ, बाहर अगर कॉमन लेता हूँ तो पीछे फिर क्या बचेगा, यहाँ से ए आएगा
और यहाँ से एक्स की फोर कॉमन आपने ली है, पीछे क्या बच गया, पीछे बी बच गया, पीछे क्या बच गया, बी बच गया। एक्स की फोर हमने कॉमन ली तो पीछे बच गया ए और यहाँ से बच गया प्लस बी। अब हम क्यूबिक वैल्यूज़ को देखते हैं कि उनमें से क्या चीज़ कॉमन है। एक ये है क्यूबिक वैल्यू, बी एक्स क्यूब, सी एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं कि अगर कॉमन लिया जाए एक्स क्यूब तो यहाँ से आएगा बी और यहाँ से आएगा सी, ऐसे ही है ना। एक्स क्यूब के बाद हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज कॉमन ली जाएँ तो पीछे क्या बचेगा। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, एक ये एक्स स्क्वायर वाली है तो यहाँ से आ गया 2a, यहाँ से 2a कॉमन। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली एक ये है तो यहाँ से b आ गया, और आगे है कहीं पे एक्स स्क्वायर वाली, यहाँ से c आ गया, यहाँ से d आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो यहाँ से b आ गया, यहाँ से c आ गया और आगे से d आ गया, ये कॉमन आ गया। ये आपने लिया था एक्स स्क्वायर कॉमन। उसके बाद हम एक्स वाली वैल्यूज़ को देखते हैं कि अगर एक्स कॉमन लिया जाए तो पीछे क्या बचेगा। यहाँ से देखते हैं एक्स वाली कहाँ पे है वैल्यू, ये एक्स वाली वैल्यू कॉमन तो क्या बच गया, बी बी। यहाँ से एक्स कॉमन तो क्या बच गया, सी। यहाँ से डी आ गया, यहाँ से क्या आ गया, टी। आगे यहाँ से ई कॉमन आ गया, ई बच गया क्योंकि एक्स कॉमन है, ठीक है। इस तरह लिखा जाएगा। अब कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ से ए कांस्टेंट है, ए सी और ई, इन्हें हम लास्ट पे लिख देते हैं, ए सी ई। अब कोफिशेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, अगर आप कहते हैं ना दो इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं, ये आप कह रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्स की फोर का जो कोफिशेंट है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद एक्स की पावर जो फोर है उसके कोफिशेंट्स के कंपेयर है, उसके कोफिशेंट के इक्वल है। अब एक्स की फोर का कोफिशेंट आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये वन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जो फोर है उसका जो कोफिशेंट ए प्लस बी है ये इस वन के इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू थ्री है, इसका कोफिशेंट थ्री है, हम चेक करेंगे कि एक्स स्क्वेयर वाली राइट साइड पे वैल्यू कौन सी है, ये है, तो ये इस पूरी वैल्यू उसकी इक्वल होगी। तो हम सबसे पहले हम रखते हैं ए प्लस बी को, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मेरे पास ए है तो मैं आसानी से बी फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं फिर एक्स की फोर को कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ एक्स फोर, एक्स की फोर के कोफिशेंट्स को कंपेयर करने लगा हूँ। यहाँ से आ गया ए प्लस बी जो कि इक्वल है, इसके कोफिशेंट जिसका कोई ना उसका वन वन होता है, ठीक है, जिसका नज़र ना आए उसका वन होता है। तो ए ऊपर वन है आपके पास, यहाँ पे हम पुट करते हैं ए हमारे पास है वन, तो यहाँ से आप इजीली बी फाइंड कर सकती हैं। वन इधर आके माइनस हो गया इस वन से तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। इसका मतलब बी का आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। अब हम अगर एक्स एक्स क्यूब को कंपेयर करें, अगर मैं ये कहता हूँ कि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशेंट है बी प्लस सी, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब क्या होगा, यहाँ पे तो है ही नहीं, थ्री नहीं नहीं जीरो है ही नहीं, है ही नहीं। तो अगर कहीं पे आपको नज़र ना आए तो उसका क्या मतलब होता है, वो ज़ीरो की इक्वल है। ये देखे ना, एक्स की जी फोर है तो एक्स क्यूब लेफ्ट साइड पे मौजूद नहीं, अगर कोई चीज़ ना हो तो उसका क्या मतलब लेते हैं, तो वो है ही नहीं, ज़ीरो है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशेंट बी प्लस सी है, यानी बी प्लस सी है, तो लेफ्ट साइड पे तो वो है ही नहीं, ना होने का मतलब है ज़ीरो। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग करने लगे हैं किसको, एक्स क्यूब को, कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब,
तो आपके पास बी ज़ीरो है, बी क्या है ज़ीरो, यहाँ पे हम रखते हैं बी ज़ीरो है, बी आपके पास क्या है ज़ीरो, तो सी यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे ज़ीरो, इसका आंसर भी क्या आ गया ज़ीरो, ठीक है, इसका आंसर भी क्या आ गया ज़ीरो, सी भी ज़ीरो आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है डी, डी आगे आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर के कोफिशेंट में आ रहा है, ए भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है, बी भी फाइंड कर लिया, सी भी, डी फाइंड करना है, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर का यहाँ पे कोफिशेंट क्या है, थ्री, जी इसका ये थ्री की इक्वल है, हम लिखेंगे थ्री इक्वल है किसके, यहाँ से एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट थ्री है और यहाँ पे है टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही है ना। सर, अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, थ्री उसी तरह, टू ए की वैल्यू हमारे पास वन थी, ऊपर आप चेक कर सकते हैं वैल्यू, ए था आपके पास वन, ए था आपके पास वन, बी ज़ीरो, सी भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो, सी भी ज़ीरो, तो यहाँ से आप डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो ज़ीरो ज़ीरो तो ख़त्म कर दें, टू वन से मल्टीप्लाई होगा, टू टू इधर आके थ्री में से माइनस होगा, तो क्या आएगा, डी का आंसर वन आएगा, डी क्या आएगा, वन आएगा। अब रह गया है ई, आपके पास क्या रह गया, ई, ई तो आ रहा है एक्स के कोफिशेंट के साथ, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट क्या है जिसका कोई ना हो, अब इसका नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका कोफिशेंट वन होगा, वन इक्वल है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, वन इक्वल है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के, यहाँ से हमने ई फाइंड करना, वन आ गया, बी आपके पास ज़ीरो है, सी आपके पास ज़ीरो है, डी आपके पास क्या है, वन है, यहाँ से ई का आंसर क्या आएगा, सी भी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो तो ख़त्म हो गया, ये प्लस वन इधर आकर माइनस वन होगा, तो ज़ीरो आंसर आएगा इसका भी, ई फिर क्या आ गया, ज़ीरो। हमने क्या किया है, कोफिशंट्स को कंपेयर किया है, इसी इक्वेशन ने जो भी आंसर देना है इसी इक्वेशन ने देना है, ठीक है, जो एलसीएम को मल्टीप्लाई करके आपने हासिल की है, तो अगर लीनियर फैक्टर मिले तो उसे ज़ीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके, तो किसी एक कांस्टेंट यानी ए बी सी किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे ए की फाइंड कर ली है, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा नहीं होगा, क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा नहीं होगा, अगर लीनियर की पावर भी टू होती तब भी मैं फाइंड नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक सिंपल लीनियर फैक्टर के लिए है जो नॉन रिपीटेड हो, इसका मतलब कोई भी आंसर हमने इसी इक्वेशन से फाइंड करना है, मैंने फिर इसी इक्वेशन को लिखा, लेकिन क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला ओपन किया, ये उसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये, फिर इन्हें मज़ीद मल्टीप्लाई किया तो ये बना, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये, फिर मैंने कोफिशंस कंपेयर करने के लिए सेम वेरिएबल्स को कॉमन लिया, एक्स की फोर है आगे, एक्स की फोर थी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये इसी तरह कॉमन लिया, कॉमन का फ़ायदा ये था कि जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उनके कोफिशंट्स इक्वल होते हैं, जैसे ये वन है ए प्लस बी के, ये है एक्स की थ्री बी प्लस थ्री के, यहाँ पे एक्स की थ्री है ही नहीं, ना होने का मतलब है ज़ीरो है, ज़ीरो की इक्वल रखा, बी यहाँ पे ज़ीरो पुट करके सी फाइंड कर लिया, फिर आगे वाला एक्स स्क्वेयर का क्वेश्चन कंपेयर किया, इस थ्री की इक्वल है, ए मुझे पता है वन है, बी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, टू वन टाइम टू, टू इधर आकर माइनस हुआ, डी आ गया। अब ई चाहिए, ई तो आ रहा है एक्स के कोफिशेंट में, यहाँ पे एक्स का कोफिशेंट है वन, देखे ना नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वन है, तो ये दोनों वैल्यू ज़ीरो, तो ये वन है, ये वन इधर आगे माइनस वन, ये आ गया। अब हम जो हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन था कि ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है जो आपने नाम दिए हैं, इसका मतलब ये आपने यहाँ पे आके इनके आंसर लिख देने, ए क्या है बी क्या है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, मैं नीचे लेके जाने लगा हूँ, ये इसके इक्वल था हमारा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन चले ये जो भी है
इसे आपने लेफ्ट साइड पे लिख लेना है, जो जिसे आपने नाम दिया था, ठीक है। अब आपने यहाँ मुझे आंसर बताना है ए क्या है। ए आपका 1 के इक्वल था, चेक कर लें ऊपर, ठीक है 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। ये 1 अगर नीचे है एक्स प्लस 1। बी आपके पास क्या था, 0 ज़ीरो, चेक कर लें ऊपर वैल्यू 0 हो गई, 7x उसी तरह आ गया। सी आपके पास क्या है, जीरो, बी और सी 0 था, चेक कर लें, सी भी 0, बी भी 0, डी 1 है, ए भी 1 है, ई भी 0 है, ये याद रखना। नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऊपर ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको इसे रिमूव कर लें। अच्छा डी आपका क्या था, 1, डी आपका क्या था 1, ई आपका क्या था 0। उसके ऊपर पावर 2, ये आ गया 1 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0, 0 में 0 ऐड होगा 0, 0 के नीचे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 0, 0 यानी ये ख़त्म ही होगी, ठीक है, ये क्या होगी ख़त्म, 0 बन गया। अब आगे 0 इसमें ऐड होगा यही आएगा, तो किसी भी वेरिएबल का कोफिशेंट 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, तो सिंपल आप एक्स ही लिखते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आएगी 2, ठीक है। ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 0 प्लस 0 ये सारा 0 होगा, 0 इनमें ऐड होगा तो यही आएगा, तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो एक्स का कोफिशेंट 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी होता है। पीछे आंसर चेक करें, यही है जी सर, यही आंसर है। तो पता चला है कैसे सॉल्व किया जी सर। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जी, आप 1 करवा सकते हैं, 3 कर लूंगी, करवा सकता हूँ मैं। क्वेश्चन 1, एक्स की 3 नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2, कहते चलें भाई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करें। सबसे पहले तो मैंने देखना है क्या ये प्रॉपर फॉर्म है, प्रॉपर फॉर्म में नीचे वाले वेरिएबल की पावर ग्रेटर होनी चाहिए, ये 2 है इसकी पावर ओपन होगी 4 बन जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर है। इसका मतलब डायरेक्टली मैं नाम दे सकता हूँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। अब ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक रिपीट हो रही है, ठीक है, तो फर्स्ट में ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस आगे वाले में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। अब ये देखिए मैंने कहा जहाँ भी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो आपने दो नाम देने, अब आगाज ही देखिए मैं करने लगा हूँ तो दो नाम दें, कौन से नाम देना चाहती हैं आप, ए और बी, ए और बी, तो फर्स्ट वाले के साथ एक्स लगेगा, एक्स लगेगा। अब आगे वाला जो फैक्टर है चाहे क्वाड्रेटिक रिपीट हो रही है तो क्वाड्रेटिक ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्वाड्रेटिक के लिए मैंने क्या कहा है कि दो नाम देंगे, जी सर, तो कौन से नाम देंगे, सी प्लस डी, सी प्लस डी और फर्स्ट वाले के साथ करिए। तो अब तो जाहिर सी बात है कोई भी आपने आंसर फाइंड करना है उसके लिए आपको एक इक्वेशन का पता होना चाहिए, जो इक्वेशन आप हासिल करते हैं फाइंड करते हैं एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करके, एलसीएम आपका ये लेफ्ट साइड पे मौजूद होगा, जब यही एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर से क्या आएगा एक्स क्यूब, ये एलसीएम जब सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ये एक पावर के साथ कैंसिल, तो एक बच गई है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये इसके साथ फिर कौन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि एक पावर कैंसिल हुई है ना, एक तो बची हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आगे है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, अब ये कंप्लीट इसके साथ कैंसिल, तो फिर यही बच गया, ठीक है। अब मुझे बताएं कि कौन सा फैक्टर मैं 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, पहला या दूसरा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, उसकी क्या वजह है,
क्योंकि हम लीनियर को डालते हैं क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक कहीं भी हो तो उसे जीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते। फिर उसके लिए इसी इक्वेशन पर आएंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन को आप सिंपलीफाई करके कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो कोफिशेंट्स कंपेयर करने के लिए ना मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस फोर ए एक्स, फोर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब बी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स स्क्वायर और फोर बी, बी एक्स स्क्वायर और फोर बी आएगा। आगे उसी तरह आ गया सी एक्स और डी। तो हम तो कोफिशेंट्स कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, जैसे ये एक्स क्यूब है और आगे है नहीं है, तो इसी तरह हम लिख देते हैं ए एक्स क्यूब। अब हम देखते हैं स्क्वायर वाली ए की वैल्यू है, फिर इसको भी उसी तरह लिख देते हैं बी एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाली ये देखें, एक्स वाली तो हैं, एक्स वाली हैं, दो वैल्यूज़ हैं, फिर मैं ऐसे करता हूँ प्लस लिखता हूँ और यहाँ से कहता हूँ एक्स कॉमन है। x अगर कॉमन है तो पीछे क्या बच गया, 4a बच गया, यहाँ से क्या बच गया, c बच गया, ठीक है, x कॉमन है इन दोनों में। उसके बाद है ये कांस्टेंट है एक 4b, 4b प्लस t प्लस d। अब ये देखें इजीली मैं कोफिशेंट कंपेयर कर सकता हूँ, x क्यूब का कोफिशेंट ये है तो जिसका कोई ना हो उसका क्या होगा, यहाँ पे वन है, ठीक है, ए का आंसर क्या आ गया वन। उसके बाद बी का आंसर चाहिए तो बी का यहाँ पे कोफिशेंट है बी एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ही नहीं, ना होने का क्या मतलब होता है, ज़ीरो, तो बी फिर आ गया ज़ीरो। अब हम देखते हैं सी किस में आ रहा है, सी इसमें आ रहा है एक्स के कोफिशेंट के साथ, यहाँ पे तो एक्स वाली कोई वैल्यू है इन लेफ्ट साइड पे, ना होने का क्या मतलब होता है, जीरो, जीरो की इक्वल है, यानी जीरो इक्वल है किसके, फोर ए प्लस सी। ए तो आपके पास है वन जी, तो यहाँ से आप सी फाइंड कर लेंगे, तो सी क्या आ गया, फोर वन टाइम फोर प्लस फोर, इधर आके माइनस फोर, अब कौन रह गया, टी रह गया, ए भी फाइंड कर ले बी सी, अब ये तो आ रहा है किसी कांस्टेंट में, कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर, तो ये लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो है, ना होने का मतलब जीरो है, यानी फोर बी, फोर बी प्लस डी किसके इक्वल है, जीरो के, तो B क्या है आपके पास, B ऊपर चेक कर लें ज़ीरो, ज़ीरो, इसका मतलब D भी क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, फोर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो ज़ीरो इसमें ऐड करेंगे ज़ीरो ही आएगा। तो ये हम अपनी क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये था जो आपने नाम दिए हैं इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, इसे मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ले जाता हूँ और वैल्यूज पुट कर देता हूँ। पहले एक दफ़ा वैल्यूज में देख लो, ए वन है, बी भी ज़ीरो है और डी भी ज़ीरो है, ए वन और सी माइनस फोर, ए क्या है वन, बी एक्स के प्लस फोर, सी क्या था माइनस फोर, माइनस फोर, एक्स उसी तरह आगे, सी था माइनस फोर, एक्स उसी तरह, डी है ज़ीरो, डी है ज़ीरो। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ज़ीरो इसमें ऐड होगा यही आएगा, तो इसका कोफिशेंट वन लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली एक्स ही लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर और ज़ीरो इसमें ऐड करेंगे यही आएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर की पावर टू। तो ये किसको सॉल्व किया है, एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2। पीछे आंसर चेक करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है और मंडे को इसका टेस्ट होगा। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आप लिंक शेयर कर सकते हैं? इसका लिंक मैं भेज देता हूँ।